और सीएसडी के आज का मुख्य क्लास है, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ 16th पॉइंट, द 16th पॉइंट ऑफ 16 पॉइंट्स। तो मैं रिक्वेस्ट आचार्य विनोद कुमार देव दादा टू स्टार्ट योर क्लास प्लीज। थैंक यू दादा जी, नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। सबों जय को नमस्कार। जैसा कि दादा बताए हैं, हम लोग का क्लास आज जीके है 16 पॉइंट का, 12वां पॉइंट हम लोग का है जो सीएसडी के कहलाता है। तो 16 पॉइंट में हम लोग बार बार सुन चुके हैं कि बाबा कहते हैं 16 पॉइंट के बारे में कि षोडश विधि में दृढ़ हो जाओ, विश्व की सभी शुभ शक्तियों को एकत्रित करो, पाप शक्ति की समस्त वाचालता स्तब्ध हो जाएगी। बाबा कहते हैं 16 पॉइंट। तो 16 पॉइंट इतना महत्व का चीज हम लोग है समझ रहे हैं बराबर। अब सीएसडी के में पहला है सी। सी मतलब होता है कंडक्ट रूल्स, और एस है मीन्स सेमिनार, और डी मीन्स ड्यूटी, के मीन्स कीर्तन। तो यह कंडक्ट रूल्स है जिसको हम कहते हैं आचरण संहिता। यह आचरण क्या चीज है? तो यह चर धातु प्लस ल्यूट बराबर होता है चरण। आ जोड़ चर जोड़ ल्यूट बराबर आचरण। आचरण का अर्थ है चलना, यानी कि समस्त क्रियाओं का सामूहिक नाम है चरित्र। एक मनुष्य किस ढंग से चलता है, उसकी जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, उन्हीं क्रियाओं का मिलित नाम है चरित्र। अर्थात अनेक आचरणों के समूह को कहा जाता है चरित्र। तो जो भी हम आचरण करते हैं, उसी से हम लोग का चरित्र बनता है। तो आचरण का महत्व यह है कि समाज में किस ढंग से चलते फिरते बोलते, किसी के साथ है कैसा मेरा व्यवहार है, तो यही मेरा होता है आचरण। और इसी सभी क्रियाकलापों का समूह को, आचरणों के समूह को हम चरित्र कहते हैं। और हम जैसा जानते हैं कि दूसरों के साथ जो भी मेरा परिचय होता है, आचरण के माध्यम से ही होता है कि आदमी किस प्रकार का है। और बराबर हम लोग सुनते भी हैं कि कितना महत्व है आचरण का, और सब मिलकर चरित्र का। पर्सनल जीवन में, सामाजिक जीवन में कहा जाता है कि मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। तो आचरण का इतना बड़ा महत्व है। अब क्या है कि आचरण है इसका विशेष रूप से, और हम लोग जानते हैं कि आचरण संहिता का मौलिक उद्देश्य क्या है। तो तामसिकता से सात्विक लक्ष्य की तरफ गति को त्वरित किया जा सके। तो यह आचार संहिता का मौलिक उद्देश्य है कि तामसिकता से सात्विक लक्ष्य की तरफ गति को त्वरित किया जा सके। और इसमें दो बात है, वैल्यू जजमेंट है और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, कि अपने प्रति किस प्रकार से हम न्याय कर सकते हैं, इसके पालन से अपने प्रति हम न्याय भी करते हैं, वैल्यू जजमेंट भी करते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, देव शिशु में परिणत भी करते हैं, यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्वयं का भी करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज आता है, या आचरण संहिता में, तो चर्याचर के मुताबिक साधकों के लिए पालनीय आचरण विधि है, जम नियम है, पंचदशील है, षोडश विधि है, कंडक्ट रूल्स सभी का जो है अलग अलग, LFP, गृही आचार्य और चर्याचर तीनों खंड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एवं क्या होता है कुछ, तो मेरा 39 है सामाजिक आचार संहिता, ये सब आते हैं उसके अंदर में आते हैं। और यह जो आचार संहिता है सो अनुशासन है, जो हम लोग को अनुशासित करती है,
अनुशासन योग का नींव है। अनुशासन नहीं रहेगा तो हम योग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे दूसरों के प्रति अनुशासन हो जो हित के उद्देश्य क्या आता है, या अपने प्रति। अनुशासन क्या होता है जीवन में, इसका बहुत बड़ा महत्व है और यही योग का नींव है, फाउंडेशन है। कहा भी गया है हितार्थ शासनम इत्यर्थ अनुशासन। तो अपने पर भी समन हो या दमन हो, दूसरे पर करे या अपने पर करे, अनुशासित एक व्यक्ति को होना चाहिए। और यही हमको बताता है कि हम कितने धार्मिक व्यक्ति हैं, कितने सामाजिक व्यक्ति हैं, यह हमको दर्शाता है। इसलिए सभी चीजों का हम लोग को पालन करके चलना चाहिए कि यही मेरे जीवन का नींव है। लोगों के सर्वात्मक कल्याण के लिए अनुशासन ही, आचार संहिता जिसको कहते हैं, जो आचार संहिता का अनुशासन ही क्या करता है, निर्माण करता है। मनुष्य के सभी प्रकार के प्रयासों में अनुशासित आचरण आवश्यक। मनुष्य का कल्याण शारीरिक हो, मानसिक, आध्यात्मिक, अस्तित्व के सभी स्तरों में होना चाहिए। इससे उसकी सभी क्षेत्रों में प्रगति होती है। मनुष्य यदि दूसरों को सुधारना और बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप में सुधार और बदलाव लाना जरूरी है। अगर हम स्वयं में सुधार नहीं लाते हैं और दूसरे को चलते हैं हम बोलने के लिए, तो वह उचित बात नहीं है। और फिर उसमें ओझ भी नहीं रहेगा, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है कि स्वयं को, अपने आप को इस आचार संहिता में प्रतिष्ठित करना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग कि आचार आचरण संहिता में हम लोग देखे हैं कि पंचदशी यह है जिसका पालन करना है। तो पंचदशील में यह सील जो है 15, यह सील 15 है। तो कौन कौन है? तो पहला है क्षमाशीलता, कि जहां तक हो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्षमा का भाव रखना चाहिए। हाँ, सार्वजनिक जीवन में है, सार्वजनिक किसी प्रकार का कोई बात है तो वह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को क्षमा करने का। वह समूह ही उसको, समाज ही उसको क्षमा करेगा। और जब तक संशोधन नहीं हो जाए उसमें, अपने गलतियों को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अगर हम क्षमा करते हैं तो उसके उसके त्रुटि को ही बढ़ावा देना होगा। तो इस पर हम लोग खास ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत जीवन में जो है पंचदशील, उसमें हम व्यक्तिगत जीवन जहां तक हो सके क्षमा भाव रखना चाहिए। दूसरा है मन की उदारता। पहला क्षमाशीलता, दूसरा है मन की उदारता। तो मन की उदारता क्या है कि अपने आप को मन की विशालता रखना है, मैग्निटी ऑफ माइंड रखना है, कि किसी प्रकार का हमको अपने आप को थोड़ा सा कम करके भी दूसरे को हम अगर सुविधा देते हैं, दूसरे प्रति दिलीर दिखाते हैं, विशालता दिखाते हैं कि मेरे पास 3 शर्ट है, किसी को 1 शर्ट हम दे देते हैं, किसी को कमी अगर लगता है दे देते हैं, तो सुविधा प्रदान की। तो मन की तरह से हर क्षेत्र में आप अपने मन को विशाल रखें, ताकि दूसरे को अपने विशालता से दूसरे को सुविधा प्रदान हो। अपने अपने अंदर की चिड़ता को हटाने का हम प्रयास करते रहते हैं। इसमें दूसरे के प्रति हम सहयोग की भावना रखते हैं जहां तक होता है। तो मन की उदारता रखना चाहिए। व्यवहार और मिजाज पर सतत नियंत्रण करना चाहिए। जब भी किसी से बात करे तो उसके साथ में ऐसा होना चाहिए, सामाजिक किसी प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं किसी दूसरे के साथ में, तो हमको अपने व्यवहार पर और मिजाज पर सतत नियंत्रण का प्रयास करते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है आदर्श के लिए व्यक्तिगत जीवन की प्रत्येक वस्तु को त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। अगर कहीं पर महत्व उद्देश्य आदर्श है उस आदर्श के लिए हम देखेंगे कि मेरे मेरा कुछ इसमें है ना, कि कुछ हम त्याग कर सकते हैं आदर्श के लिए, तो त्याग करना चाहिए। तो व्यक्तिगत जीवन की प्रत्येक वस्तु को त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। अगर आदर्श की बात है, महत आदर्श की बात है, थोड़ा सा अपने आपको लगे कि हमको इसमें थोड़ा कमी भी हो तो होने देंगे, हम देखेंगे कि आदर्श की पूर्ति हो रही है, आदर्श मेरा आगे बढ़ेगा, तो उसमें अपने आप को हम त्याग करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे।
पॉइंट है सर्वात्मक संयम। सर्वात्मक संयम यानी कि हर प्रकार जो भी मेरा है, जैसे कहा गया ना, चक्षुना सम्रो साधु सातु साधु सोतेन सम्रो घानेन सम्रो साधु साधु जीवार सम्रो कायन सम्रो साधु साधु बाचाय सम्रो संबत सम्रो साधु साधु संबत सम्र मनसा सम्रो साधु साधु संबत सम्रो साधु भिक्षु सब दुखे मम पमुचते। तो इस प्रकार से है मेरे आंख पर कान पर काया पर जीव पर है ना मन पर जीवा पर सर्वात्मक हर प्रकार का संयम हम लेकर मानकर चलेंगे। तो सर्वात्मक संयम का भाव अपने आप में रखेंगे हमेशा। नैतिक साहस होना चाहिए। अब कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको बोलने का हमें साहस होना चाहिए कि आप यह गलत कर रहे हैं, लेकिन वह एक तरीका से उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। उनका अगले पार्टनर अगले आदमी को यह भी न लगे कि हमको ऐसा कहा जा रहा है कर्कश भाव में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सही बात सामने रखना चाहिए, यह साहस होना चाहिए ताकि अगले को एहसास हो कि नहीं यह बात उचित था इनका बोलना। तो इस ढंग से हमको नैतिक साहस होना चाहिए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी देखते हैं जो सदवीपुर का है कि जो उचित बात हम बोल देंगे, यह साहस होना चाहिए। दूसरों को पालन करने के लिए कहने के पहले अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा स्वयं आदर्श उपस्थित करेंगे हम। मान लिया कि दूसरों को हम कहेंगे कि कोई गलत कर रहा है या यह पालन नहीं कर रहा है, वो पालन करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे, दूसरों को केवल हम प्रवचन देंगे, तो इससे काम चलेगा। हम दूसरों को पालन करने के पहले अपने आप को व्यक्तिगत आचरण द्वारा स्वयं आदर्श उपस्थित करेंगे, तब वह प्रभावशाली होगा। नहीं तो वह क्या होगा कि खुद दूसरा आदमी पर उंगली उठा देगा। तो हमको उसको अपने आचरण द्वारा पहले हम प्रस्तुत करेंगे, तब दूसरे को पालन करने के लिए हम कह सकते हैं, आपका अधिकारी हो सकते हैं, इसका ख्याल रखें। नौवां पॉइंट है दूसरों की निंदा आलोचना कीचड़ उछालना और सब प्रकार के दलबंदी से अलग रहना। हम किसी के पीठ पीछे निंदा में अपने आप को समय नहीं गमाएंगे, किसी का आलोचना नहीं करेंगे, कीचड़ किसी पर उछालेंगे नहीं, मड स्लिंगिंग जो होता है, सब प्रकार के दलबंदी से हम अलग रखेंगे अपने आप को। यह तो बाबा का है या संस्था है, तो एक संस्था है और इसी को बाबा का सिस्टम है, नियम है, कानून, उसको दाई मानकर चलेंगे, मानकर चलेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार के हम दलबंदी भाव लेकर कीचड़ उछालना, आलोचन करना, किसी का निंदा करना, इससे हम लोग बचेंगे। दसवां पॉइंट है जब नियम के सिद्धांतों का कट्टरता पूर्वक पालन करेंगे, क्योंकि जैसा जानते हैं कि साधना का आधार भूमि ही है जब नियम है, इसलिए जब नियम के बिना साधना हो नहीं सकती है। इसलिए हम लोग जब नियम का जितना हो कट्टरता के साथ पालन करेंगे, दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। अगला पॉइंट है असावधानी के कारण अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तुरंत मान लेना चाहिए और दंड लेना चाहिए। मान लिया कोई प्रकार का गलती हो गया हमसे अनजाने में, तो तुरंत क्या करेंगे, उसको अपने आप को स्वीकार करेंगे। और अगर पर्सनल है, अनजाने हुआ है, तो पर्सनल हम जानते हैं कि मालूम हो गया है तो हम फास्टिंग करते हैं। अगर है सामूहिक है, कहीं कोई बात है, तो वहां पर क्या करेंगे कि हम अगर कोई भूल हो गया है, असावधानी के कारण मिस्टेक हो गया है, तो उसको मान लेंगे और जो उचित होगा दंड, सो दंड ले लेंगे। 12वां पॉइंट है शत्रु से व्यवहार करते समय घृणा क्रोध दंभ से मुक्त होना चाहिए। कोई शत्रु भी सामने में अगर है, सामान्य आदमी तो है ही कि अपने मन पर सभी कुछ पर नियंत्रण रखेंगे, सर्वात्मक संयम कहा ही गया है। अब मान लिया जाए कोई शत्रु भी सामने में है, तो उसके समय व्यवहार जो बात करेंगे हम, व्यवहार करेंगे हम, तो उसमें भी घृणा क्रोध और दंभ इसमें नहीं रहना चाहिए। तो इससे क्या माहौल बनता, अच्छा बनता है, और फिर हम लोग का काम अच्छा से हो जाता है। तो इसलिए सबसे हम लोग को किसी से शत्रु से व्यवहार करने वक्त इसका
गौर करेंगे कि सब मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, घृणा क्रोध और दंभ का भाव नहीं आना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए इससे। और 13वां पॉइंट है अति कथन से बचना चाहिए हम लोग को, यानी अधिक जरूरत मुताबिक ही बोलना चाहिए, अधिक बोलना उचित बात नहीं, अति कथन से दूर रहना चाहिए। कहा गया ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप धूप। तो अति कोई चीज अधिक नहीं होता है, न बोलना अति होता है, आना अति चुप रहना भी ठीक है कि नहीं। तो आना अति का कहता है भला न धूप, न अति का भला न बरसना। तो कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना बोलेंगे हम, नहीं तो बिना मतलब का अपने एनर्जी को लॉस लॉस करना। इसलिए अति कथन से दूर रहना चाहिए, ना अधिक चुप रहना है ना अति बोलना है। 14वां पॉइंट है अनुशासन के संरचनात्मक नियमों का पालन करना, स्ट्रक्चरल कोड कंडक्ट हम लोग का है, जो संस्था का बनाया हुआ स्ट्रक्चरल कोड है। पीपी दादा हुए, जीएस दादा हुए, मेरे सेक्टोरियल दादा हुए, या जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर जो है, उसके बाद में आपको आरएस का हो गया, आरएस लेवल का हो गया, आरएससी लेवल का हो गया, डीएस लेवल का हो गया, मुक्ति प्रधान हुए, नीचे जितने भी यूनिट सेक्रेटरी हुए, जितने भी जहाँ जहाँ जिस लेवल के हैं, सभी स्ट्रक्चर का जो रूल रेगुलेशन है उसको हम अपने जीवन में मान कर चलेंगे, तभी जाकर मेरा जो है स्ट्रक्चर खुश हो और हम धर्म को ठीक से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर का हमेशा स्ट्रक्चर कोड कंडक्ट जो है अनुशासन के साथ नियमों का पालन करके चलेंगे हम। क्या हमको जवाबदेही दिया गया है, किसका हमको किस प्रकार से अपने संवाद हम नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे हम कर सकते हैं अपने संवाद संस्था के साथ मिला पुला करके। इसलिए हर लेवल के स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रख कर अपने काम को करेंगे, ताकि क्या होगा, इससे हम लोग पूरा संस्था अनुशासित रहेगा, हम भी अनुशासित रहेंगे और धर्म का जो प्रचार प्रसार होगा वो सही ढंग से हो पाएगा, और तभी हम समाज को देश दुनिया को हम यह सही रास्ते पर ले आ सकते हैं, सबका सर्वात्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट सबके साथ में यह बात है कि हम अनुशासन के युग, अनुशासन जिस समाज में नहीं होते सब हो गया अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए हर जगह आचरण संहिता ही पूरा अनुशासन है। इसमें बताया गया है संरचनात्मक नियमों का जो अनुशासन उसको पालन करके चलेंगे। उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। अब कोई पोस्ट किसी को दिया गया है, कोई काम दिया गया है, हर मार्गी जो मार्गी को उसी वक्त में दीक्षा के वक्त में ड्यूटी दी जाती है धर्म प्रचार का। यह मिनिमम ड्यूटी है कि एक बार जो कोई मार्गी बन गए हैं तो धर्म प्रचार उसका प्राइमरी ड्यूटी बनता है। तो यह सबों को जो भी ड्यूटी दिया गया है, और जो जितने हैं सब पोस्ट वाले हैं, चाहे यूनिट सेक्रेटरी हो, डिप्टी प्रधान हो, ऊपर में जो भी लोग हैं, है कि नहीं, स्ट्रक्चर में जो भी जहां पर है, तो और मार्गी हैं जिनको ड्यूटी मिला है, तो वह इसका बोध होना चाहिए कि हमको जो ड्यूटी मिला है उसको हम करेंगे। हम ऐसा नहीं कि ले लिए हैं ड्यूटी, हम पोस्ट ले लिए, ड्यूटी ले लिया, काम नहीं करते। तो ड्यूटी मिला है और ड्यूटी करते हैं, यह बोध हम में आएगा और ड्यूटी करेंगे हम, तो क्या होगा, या इष्ट आदर्श के नजदीक जाएंगे, और इष्ट आदर्श के नजदीक जाएंगे तो हमको सब मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, इससे अधिक हमको चाहिए। इसलिए हमको अपना जो ड्यूटी मिला उसके प्रति हम उत्तरदायित्व का बोध रहना चाहिए। या केवल हम ऐसा नहीं कि हम पकड़ लिए पोस्ट आ काम नहीं करते हैं, इससे अच्छा है कि भाई जितना बन सके वही काम करेंगे, दूसरे को मौका देंगे, तो इसका ख्याल रखेंगे हम, उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। तो ये 15वां पॉइंट था, ये 5-10 सील था, और कोशिश करना चाहिए प्रत्येक के जीवन में, हम रहे या कोई व्यक्ति रहे, जितना आचरण संहिता है उसको हम याद रखें, कंठाग्र याद रखें, अपने कमरे में जहाँ रहते हैं वहां इसका पूरा रूल टंगा रहना चाहिए, जिससे बारंबार देखने से क्या याद होगा, हम तो उसको पालन कर सकते हैं ठीक से। आने तो क्या होता है कि वो चराचर में
पड़ा रहेगा, किताब में पड़ा हुआ, कभी मन हुआ पर्व त्योहार के तरह कभी हम उल्टा के देख लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बात दिमाग से उतरते रहेंगे, हम नहीं कर पाए कर सकते हैं सब काम। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जितने साधक हैं सबों को याद रखना चाहिए सब चीज का। तो ये पंच दस सील था। अब अगला है हम लोग का, इसमें देखेंगे सामाजिक शिष्टाचार जो 39 है। यह सब आचरण संहिता कंडक्ट रूल के तहत हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इसमें सामाजिक शिष्टाचार जो 39 है, तो सामाजिक शिष्टाचार में क्या है उसको हम लोग देखें। सामाजिक शिष्टाचार में यह जो है, बाबा स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या हम लोग को करना चाहिए। तो पहला है सामाजिक आचार का, जिससे तुम सेवा प्राप्त कर रहे हो उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। धन्यवाद कहकर कोई सेवा ले लिए और बिना थैंक यू धन्यवाद किए हुए चल दिए, यह एक अच्छा व्यवहार नहीं है। इसलिए यह प्रत्येक साधक को, जनरल आदमी को भी, ये सब जहाँ हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं क्लास लेते हैं तो ये सब चीज हम लोग जनरल आदमी को बताते हैं। साधक के जीवन के लिए तो है ही, जनरल आदमी के लिए भी है कि जब भी कोई किसी सेवा प्राप्त करे तो उसे हमको धन्यवाद कहकर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। दूसरा है, किसी के द्वारा किए गए नमस्कार का तुम्हें तुरंत उसी मुद्रा में प्रति नमस्कार करना चाहिए। अगर कोई आदमी नमस्कार करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमको हमको याद है कि बाबा जब आते थे डीएमसी मंच पर तो अंदर, जब अंदर से बाहर आते थे मंच पर तो आगे बढ़कर दोनों हाथ, पहले ही नमस्कार करने से पहले ही दोनों हाथ मंच के आगे जाकर दोनों हाथ इधर से इधर, इस साइड से इस साइड, पूरे मंच पर हाथ देकर नमस्कार करते थे, किसी का इंतजार भी नहीं करते थे। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि कोई साधक आ गया, यह नहीं कि फलाना हमको नमस्कार करेगा तब हम नमस्कार करेंगे। इससे क्या होता है कि मन गड़बड़ होते रहता है, और नमस्कार किसी को कर देते हैं बिना किसी का, तो मन मेरा हल्का हो जाता है, कोई प्रकार का मन में भाव भी रहता है तो उससे भी क्या होता है, निगेटिव भाव रहता है तो मन हल्का हो जाता है, और दूसरा का भी मन हल्का हो जाता है, चलो भाई फलाना हमको नमस्कार किया, अगर उसके मन में कोई तो बात है तो कोशिश करना चाहिए कि नमस्कार जब मिले किसी का इंतजार किए नमस्कार कर देना, ये अच्छी बात है। तो इसका वह बोलते हैं, किसी के द्वारा किए गए नमस्कार का तुम्हें तुरंत उसी मुद्रा नमस्कार करना चाहिए, प्रति नमस्कार करना चाहिए। जैसे नमस्कार किया ये तो तुरंत कर ही देना चाहिए, ऐसा नहीं नमस्कार किया और हम नमस्कार नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमको तुरंत प्रति नमस्कार करना चाहिए। कोई वस्तु, तीसरा पॉइंट है, कोई वस्तु लेने या देने के समय निम्नलिखित मुद्रा करनी चाहिए, यानी कैसा मुद्रा करना चाहिए, तो बाएं हाथ के दाहिने कोहनी, बाएं हाथ का के दाहिने कोहनी को स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ को बढ़ाओ। अब गिलास में पानी देना है तो दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और दाहिने हाथ के कोहनी को हम बाएं हाथ से पकड़कर हम दूसरे को देंगे। तो कोई वस्तु को हम लेंगे या देने समय में, लेने या देने समय में हम बाएं हाथ के दाहिने कोहनी को स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ को किसी चीज को देने के लिए हम बढ़ाएंगे। चौथा पॉइंट है, किसी सम्माननीय गुरुजन के आने पर उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। अब हमारे नजदीक में माता पिता, गुरुवर, आचार्य, समाज के सम्माननीय व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आनंद मार्गी केवल आ गया कोई सीनियर व्यक्ति तो खड़ा हो गए, समाज में भी कोई आदमी गुरुजन है, बड़े हैं, चाचा है, मामा है, जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के हैं, सामाजिक हमारे चाचा है, बाबा है, कोई भी है, तो हमको क्या करना है, सम्मानित गुरुजन है तो उनके आने पर खड़ा होना चाहिए। और गुरु आचार्य वगैरह तो है ही, माता पिता वगैरह तो है ही, ऐसे भी सिंपल समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, आने पर बड़े लोग को आने पर खड़ा हो जाना चाहिए, सामाजिक शिष्टाचार। पांचवा है, जम्हाई लेने के समय मुंह को हाथ से ढकना चाहिए, और जम्हाई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हाथ
हाथ से मुंह को ढक लेंगे, क्योंकि जब जमाई लेते हैं तो हमारा सांस बाहर निकलता है कि नहीं, तो दूसरा लोग प्रभावित हो सकता है, ऐसा भी होता है। और साथ ही साथ उंगलियों से चुटकी बजानी चाहिए, चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाना चाहिए। चुटकी बजाने से क्या होगा कि जमाई ले ले रहे हैं तो वह भी क्या होगा, हो जाएगा, वह अवेयरनेस लगाता है कि नहीं, जो अब जमाई के कारण जो अवस्था मेरा बना हुआ है उससे क्या होता है, निद्रा भंग करता है उसको, यह भी अगल बगल में उसको सचेत करता है भाई कि जमाई लिया जा रहा है, तू भी सतर्क होगा भाई कि उसका स्वाद दूसरे के पास नहीं जाए। और अपने आप को भी हम क्या अलर्ट कर देते हैं कि भाई यह जो तंद्रा चल रहा है जमाई का जो वातावरण है, परिवेश है, उसको भी चुटकी बजा के हम आवाज देकर उसको अपने आप को भंग करते हैं, उससे दूसरे माहौल में लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से क्या है कि जमाई लेते वक्त में मुंह को हम हाथ से ढकेंगे और उंगली से हम चुटकी बजाएंगे। छठा पॉइंट है, बातचीत करते समय जो अनुपस्थित उनके प्रति हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मान लिया कि बातचीत किन्हीं के बारे में कर रहे हैं और वो व्यक्ति मेरे पास में सामने अनुपस्थित उपस्थित नहीं है, तो पीठ पीछे हम क्या करेंगे, उनके प्रति जो है आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है दृष्टिकोण से किसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा कि तत्काल तो लगेगा अगला व्यक्ति के सामने हम किसी का निंदा कर रहे हैं तो वह तो अभी सुन लेगा, अब बाद में वही क्या करेगा, बाद में वो जिस आदमी से बात कर रहे हैं वही आदमी कल हो कहेगा कि इनका ऐसा आचरण, और कभी वह व्यक्ति मिल जाएगा उसको मालूम होगा तो अलग वातावरण खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी क्या हो कि भले दूसरा कोई जानकारी दे कि न दे उससे मतलब नहीं है, अपना व्यवहार होना चाहिए सतर्कपूर्ण रहना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि जिससे अच्छा मेरा व्यवहार कुशल बनेगा, कि जब भी कोई व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहे हैं और अनुपस्थित है तो उनके बारे में हमेशा आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। सातवां पॉइंट, छींकने से के पहले रुमाल से हाथ मुंह ढक लेना चाहिए। स्वाभाविक है छींकते हैं तो क्या होता है कि वह छींक है, सर्दी का प्रवाह है, तो स्वाभाविक है कि हम छींकते हैं तो जो होगा किसी प्रकार का बैक्टीरिया कीटाणु वायरस जो भी होगा वह दूसरे के पास जा सकता है, इसलिए इसको रोकने के लिए हमको क्या करना, दूसरे के हित के उद्देश्य से ही क्या करना है कि हमको छींकने के पहले रुमाल से हाथ मुंह ढक लेना चाहिए। आठवां पॉइंट है, नाक साफ करने के बाद हाथ धो, यानी जब भी हम नाक साफ करते हैं तो सिलेस्मा वगैरह रहता है तो उसमें क्या करेंगे हम कि हाथ धो लेंगे। खाद्य वितरण करते समय छींकने या खांसने में हाथों का प्रयोग करने पर तुरंत हाथ धो लेंगे। मान लिया किसी को खाना दे रहे हैं है कि नहीं, और उस वक्त में मतलब खाद्य वितरण करते समय छींकने या खांसने में हाथों का प्रयोग करने पर तुरंत हाथ धो, मान लिया कि हम छींक रहे हैं खांस रहे हैं और उसमें हाथ का प्रयोग किए हैं तो क्या होगा, तुरंत उसको हाथ धो लेंगे, और नहीं धोएंगे हम क्या करेंगे, उसी से हम खाना वितरण कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खिला रहे हैं किसी को, तो बैक्टीरिया क्या वायरस वगैरह क्या हुआ दूसरे को प्रभावित हो जाए, इसलिए इसका सतर्क रहेंगे कि हम तो बीमार हैं दूसरे को बीमार नहीं करें, हम तो खांसी से छींक से है ही प्रभावित, दूसरे को हम प्रभावित नहीं करें फ्लुएंजा वगैरह सबसे। नंबर पॉइंट है कि शौच करने के बाद शौच के समय साबुन से हाथ साफ करेंगे, और कैसे साफ करेंगे, पहले दाहिने हाथ से साबुन रगड़ेंगे, इन्हें गए बाएं हाथ से छू दी साबुन नहीं, पहले कितनी बड़ी बात है बाबा, इतना छोटा छोटा चीज बताया हमारे जीवन को सुधारने के लिए, समाज सुधारने के लिए। शौच हम जब आए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले दाहिने हाथ से साबुन को रगड़ेंगे हाथ में, और तब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को हम लेकर दोनों रगड़ के तब हम साफ करेंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर अलग से फिर साबुन लेकर तब तो पूरे अच्छे से साफ करेंगे। तो इसका हम एकदम सर्वात्मक शौच का हम। दसवां पॉइंट है, बातचीत में रत लोगों के बीच आने के पूर्व उनसे आज्ञा प्राप्त कर लेंगे। मान लिया दो आदमी तीन आदमी पहले से बात कर रहा है, अब बिना आज्ञा प्राप्त करते हुए उनका बात सुनने के लिए बीच में हम चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बातचीत है हो रहा दूसरा का तो हम उसके आने से पर बीच में जाएंगे, हम जितना बात कर रहा है उसमें जाने से पहले उससे आज्ञा प्राप्त करें कर लेंगे कि भाई आवे इसमें हम,
आप लोग बात में शरीक हो सकते हैं, तो कहेंगे कि आएंगे, आइए तब तो जाएंगे। ऐसा नहीं बिना आज्ञा लिए बीच में चले, कोई बात चल रहा है बीच में, इससे हम लोग को बचना चाहिए। रेल या मोटर गाड़ी अथवा जनसाधारण से यान वाहनों पर संस्था संबंधी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हम लोग आए दिन देखते हैं कि ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, या कोई यान वाहन में बैठ गए और क्या करते हैं, संस्था संबंधी बात करना शुरू करते हैं। बाबा हिदायत देते हैं कि नहीं करना। मान लिया जाए कोई आदमी बात को करना शुरू किया, अब आप क्या के बात करना शुरू किए, अब उस पूरा बात बताया, पूरा बात समझाने, आधा अधूरा बात समझा, तो क्या होगा कि उसका कंसेप्शन पूरा माइंड का पैराडाइम जो बनेगा नहीं, माइंड सेटअप तैयार नहीं होगा, आधा अधूरा ज्ञान क्या करेगा, उसके लिए हानि। और हम भी सही बात नहीं रख सके, जिससे संस्था का सही बात नहीं सके, धर्म का बारे में सही बात नहीं बता सके, तो वह भी मेरे लिए गड़बड़ है, आधा अधूरा ज्ञान होता है गड़बड़ ज्ञान। क्योंकि हम कुछ देर के बाद उतर जाएगा, वो भी हो सकता यात्री उतर जाए कहीं, या हम ही कहीं उतर जाए, तो भी पूरा बात नहीं सुन सका, ना हम पूरा बात कह सके, धर्म का सही से उसको जानकारी नहीं मिल सका, संस्था का जानकारी नहीं मिल सका। तो इसलिए हमको क्या करना है, रेल या मोटर गाड़ी अथवा जनसाधारण से यान वाहनों पर संस्था संबंधी बातचीत नहीं करनी चाहिए। 12वां पॉइंट है, आज्ञा प्राप्त किए बिना किसी की वस्तु ग्रहण मत करो। अब कोई वस्तु कुछ भी पड़ा हुआ है, चाहे छोटा सामान हो, बड़ा सामान हो, वो कोई मूल्य का सामान नहीं हो, बहुत बड़ा, बिना मूल्य का तो कोई सामान होता नहीं है, हर चीज का मूल्य है। तो कोई भी सामान किसी का हो, 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिना आज्ञा प्राप्त किए हुए हम किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। 13वां पॉइंट है, दूसरों की कोई भी चीज बिना पूछे व्यवहार मत करो। यहाँ पर क्या पहला पॉइंट था, आज्ञा प्राप्त के बिना किसी का वस्तु ग्रहण मत करो। तो जब तक कोई आज्ञा प्राप्त कर नहीं दे तो हमको ग्रहण नहीं करना है। और दूसरा है कि दूसरों की कोई भी चीज बिना पूछे व्यवहार मत करो। मान लो कोई चीज हमको व्यवहार करना है तो उससे हम पूछ कर ही व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं रखा हुआ है अब बिना पूछे हम व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे कोई भी चीज बिना पूछे व्यवहार नहीं करना है। 14वां पॉइंट है, बातचीत के समय किसी पर कर्कश या चोट लगने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। जो कुछ भी कहना हो अप्रत्यक्ष ढंग से करो। अब किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, अब बातचीत के दरमियान में हम अगले आदमी को क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का, अगले आदमी प्रति शब्द का व्यवहार कर रहे हैं जो कर्कश हो, चोट लगने वाला शब्द है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। और करना भी है तो अप्रत्यक्ष ढंग से इनडायरेक्ट करेंगे, जो डायरेक्ट करेंगे तो उसके मन मिजाज पर चोट पहुंचेगा, फिर एक सही वातावरण समाप्त हो जाएगा, जो बात बनने वाला है, जिस उद्देश्य से हम बात कर रहे हैं, वो उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि बातचीत के दरमियान में किसी व्यक्ति से हम कर्कश या चोट लगने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और बात को कहना है उस बात को तो हम अप्रत्यक्ष ढंग से हम बात को रखेंगे। 15वां पॉइंट है, दूसरों के दोषों और खामियों की आलोचना मत करो कि दूसरा में क्या दोष है, डिमेरिट क्या है, खामी क्या है, उसकी आलोचना मत करो। इससे क्या होता है कि वही वातावरण क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, खराब हो जाएगा। उसमें अच्छा गुण भी तो होगा, उसको लेकर उसके मन को उत्साहित करेंगे और उसको भी अपना बना लेंगे। क्योंकि कहा गया, वेयर देयर इज मेरिट डिमेरिट ऑल्सो, जहां वह किसी, कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है, हर आदमी पूर्णता से अपूर्णता से पूर्णता की ओर जा रहा है, तो हर आदमी कैसे पूरा पूर्ण होगा। जिस दिन पूर्ण होगा तो वह तो परमात्मा में मर्ज कर जाएगा, जब तक अपूर्ण है तब तक यह संस्कार लेकर हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि दूसरों के दोषों और खामियों का आलोचना नहीं करना चाहिए, हम उसके अच्छाइयों को आगे बढ़ाकर उसका प्रशंसा करके हम उसको भी अपना बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमको दोषों और खामियों की आलोचना से हमको बचना चाहिए। 16वां पॉइंट है, कार्यालय किसी अधिकारी से मिलने के पहले आज्ञा प्राप्त कर लो, या उसके पास अपना परिचय पत्र दो,
मौखिक अनुमति प्राप्त कर लो। तो जब किसी कार्यालय में किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो पहले हम उसका अपॉइंटमेंट ले लेंगे, और उसके पास या उसके पास अपना क्या करेंगे, परिचय पत्र देंगे या मौखिक अनुमति प्राप्त कर लेंगे, तभी जाके हम मिलने जाएंगे। और नहीं जाएंगे, अगर सब नहीं लिए हुए हैं पहले से अपॉइंटमेंट, तो जाएंगे तो उनके पास हो सकता है कुछ समय में समय नहीं मिले मिलने, जिसमें जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, हम जा रहे अपने मन से, वो अपने उनके उनको पता नहीं है, तो मेरा काम जिस उद्देश्य से जा रहे हुआ काम पूरा नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे कि कार्यालय किसी अधिकारी से मिलने से पहले हम क्या करेंगे, लिखित या मौखिक या अपना परिचय पत्र देकर हम अनुमति प्राप्त कर लेंगे, तो जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वह कार्य मेरा पूर्ण होगा। 17वां पॉइंट है, दूसरों के व्यक्तिगत पत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब कोई आदमी मान लिया जाए कि चिट्ठी पत्र लेटर लिख रहे हैं, तो लिखे हैं और उसके पत्र को हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के व्यक्तिगत पत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, उनका अपना निजी जीवन बात व्यवस्था क्या है, हमको दूसरे को पढ़ने का, तो दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, खास करके लेटर वगैरह जो है उसमें हम लोग को उसको नहीं पढ़ना चाहिए। 18वां पॉइंट है, वाद विवाद के समय दूसरों को अपने मंतव्य प्रकाशित करने का अवसर देना चाहिए। अब किसी से वाद विवाद हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, और हम अकेला हम ही केवल बोलते जा रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, तो उचित बात नहीं है। तो पूरा बातों को दूसरे को रखने का मौका देना चाहिए, पूरे बातों को सुनेंगे तब अपने बातों को रख सकते हैं। ऐसे ही भगवान क्या किए हैं कि कहा गया है, दो कान दिए एक मुंह दिए, अधिक सुनो कम बोलो। तो इसलिए हमको क्या करना है कि हमको दूसरे के बातों को, मंतव्य को, विचार को प्रकट करने का मौका देना चाहिए, और तब बात बोलना चाहिए, अपना रखना चाहिए। इससे क्या होता है, स्वस्थ वाद विवाद होता है, और एक तरफ बोलेंगे तो स्वाभाविक है दूसरा पार्टी कहेगा कि यह उचित नहीं हो रहा है वाद विवाद। 19वां पॉइंट है, दूसरों की बात सुनते समय बीच बीच में हल्के प्रत्युत्तर देकर वह ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, इस बात को प्रमाणित करते रहे। मान लिया कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी के बीच बातचीत हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, और दूसरा आदमी उसका कुछ प्रकार, किसी प्रकार का प्रत्युत्तर हाँ हूं कुछ बोल नहीं रहा है, तो हुआ क्या है, मतलब क्या होगा इससे कि जो बोलने वाला उसको लगेगा क्या, अरे ये हम मेरे बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, और हुआ भी जब नहीं बोलेगा हाँ हूं कुछ नहीं बोलेगा तो क्या स्वीकृति नहीं देगा, तो परिणाम क्या होगा कि वह उसको बोलने वाले को लगेगा कि अब वो गौर नहीं कर रहा, और उसको भी लगेगा कि फालतू का बात है इसलिए सुन नहीं रहे हैं। इसलिए हमको क्या करें, दूसरे का सम्मान करते हुए जब कोई आदमी बीच में बोलते रहे तो बीच बीच में हमको क्या करना, हाँ हूं करके हल्का प्रत्युत्तर देना चाहिए, और इस बात को प्रमाणित करना चाहिए कि हम आपके बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो यह औपचारिकता है, यह सामाजिक शिष्टाचार है, इसको पालन करके चलेंगे। 20वां पॉइंट है, दूसरों के साथ बात करते समय आंख या मुंह दूसरी ओर मत फेरो। अब कितना आदमी है कि हम बोले जा रहे हैं और दूसरा आदमी सुनने वाला जो है उधर देखकर बात नहीं कर रहा है, दूसरे तरफ मुंह फेरे हुआ है या आंख घुमाए हुआ है, तो जो बोल रहा है उसको अच्छा फील नहीं होता, अच्छा महसूस नहीं होगा कि मेरे बातों को गौर नहीं कर रहा है। तो सामाजिक शिष्टाचार है सब कि जब कोई आदमी बात करे तो उसके तरफ ही मुखातिब होके, मुंह करके, आंख करके, मुखातिब करके हम उसको बात को ध्यान से सुनेंगे, ताकि अगले आदमी बोलने वाले को खराब नहीं लगे। इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरे का व्यवहार को भी है ना ख्याल रखना चाहिए, दूसरे का भी सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। तो बात करने समय में हमको उनके तरफ जो बोल रहे हैं उनके तरफ जो है आंख में उसके तरफ रखकर, उनके तरफ रखकर हमको उनके बातों को सुनना चाहिए। 21वां पॉइंट है, जमींदारी ठाठ में बैठकर मुक्तापूर्ण ढंग से पैर मत हिलाओ। तो क्या है, जमींदारी ठाठ बाठ में बैठकर होता है कि बैठे हुए हैं और ठाठ से हम पैर हिला रहे हैं, है कि नहीं, तो अच्छा व्यवहार नहीं। जमींदारी ठाठ में बैठकर मुक्तापूर्ण ढंग से पैर मत हिला, इसलिए कहा जाता है कि पैर नहीं हिलाने के लिए,
तो हम जब भी मतलब कि किसी से बातचीत करें या बैठे हुए हैं तो पैर हिला के नहीं बैठना चाहिए, जैसे कि लगता है जमींदार हम हैं किसी के, तो इस ढंग का व्यवहार शो नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। तो बाबा बोलते हैं जमींदारी ठाट में बैठकर मुक्तापूर्ण ढंग से पैर मत हिला, यानी पैर नहीं हिलाना। 22वां पॉइंट है, जिनसे तुम मिलने के लिए जाते हो उस समय अगर वे कुछ लिख रहे हो तो उनके पत्र की ओर मत देखो। मान लिया किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं, अब किसी चीज को लिख रहे हैं, किसी बात पे पत्र लिखते हो, पर्सनल हो, उस आदमी को जो भी काम करते हो, लिखा 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 पढ़ी का काम कर रहे हैं, तो होता है क्या, जनरली क्या लिख रहे हैं कोई आदमी व्यक्ति गया उस पर गौर कर लेते हैं क्या काम करते हैं। तो बाबा बोलते हैं जब कोई आदमी लिखा पढ़ी कर रहे हो है ना, या पत्र लिख रहे हैं, तो क्या उसके तरफ नहीं देखना है, उस पर क्या लिख रहे हैं उस पर नहीं देखना है, इससे बचना चाहिए हम लोग को। अच्छा व्यवहार नहीं होता है कि कोई आदमी पत्र लिख रहा है हम जाकर वहां पर देख रहे हैं, इससे बचना चाहिए। 10वां पॉइंट है, उंगलियों को बार बार मुंह में मत डालो और दांतों से भी नाखून मत काटो। तो आजकल देखते रहते हैं हम लोग की उंगली क्या करता है, मुंह में बार बार लोग डालते रहते हैं, तो उंगली को मुंह में बार बार नहीं डालना है। और दांत से भी हम क्या नाखून काटते रहते हैं लोग, तो दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा हाथ जो है, हाथ का उंगली जो है, बारंबार वातावरण में रहता है, खुले वातावरण रहता है, उस पर नाना प्रकार के बैक्टीरिया सब आते रहते और नाखून में भी क्या होता है, अंदर में गंदगी सब रहता है, और उसको हम दांत से काटते रहेंगे तो, या मुंह में उंगली डालते रहेंगे तो बैक्टीरिया से प्रभावित हो जाएंगे हम, रोगाणु मेरे अंदर में जाएगा, रोग ग्रस्त हो जाएंगे। तो हमको स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ रहेंगे तभी कोई काम कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, बारंबार मुंह में उंगली या दांत से नाखून सब नहीं काटेंगे। तो 24वां पॉइंट है, बातचीत के क्रम में अगर कोई बात समझ न आवे तो विनय पूर्वक कृपया क्षमा करे। तो यह व्यवहारिक बात है कि कोई बातचीत कर रहे हैं, अब बातचीत करने में क्या होता है, कोई बात बहुत सारा ऐसा बात होता है समझ में आता है, तो समझ में आता है तो उसको बात को समझने के उद्देश्य है कि नहीं, हम कहें कृपया क्षमा करें सॉरी है कि नहीं, कहकर हम उनके बातों को हम फिर से सुन लेंगे, विनय पूर्वक सुन लेंगे, विनय पूर्वक बोलेंगे तो क्या होगा, वो फिर से बात को हमको समझा देंगे और हम समझ जाएंगे जो मेरा उद्देश्य है समझने का, तो कृपया क्षमा करके कहेंगे इस बात को, तब वो फिर से बात को समझ लें, ऐसा व्यवहार हम व्यक्त करेंगे। 25वां पॉइंट है, जब कोई तुम्हारे स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पूछे तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अब कोई व्यक्ति है कुशल क्षेम अच्छा है ना, स्वास्थ्य अच्छा है ना, आपका कल्याण के मेरे बारे में पूछ रहे हैं लोग, तो जरूर बता दे उनको और साथ में पूछने के लिए उनको धन्यवाद हाँ ज्ञापन। ऐसा नहीं हम मतलब कि पूछे आप बोल दिए हाँ सब ठीक ठाक, नहीं वो तो बोलेंगे साथ में बोले उनको धन्यवाद पूछने के लिए, धन्यवाद देंगे। 6वां पॉइंट है, रात्रि के 9 बजने के बाद किसी के घर अथवा किसी को बुलाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अब रात्रि का 9 जब बज जाता है तो उसके बाद हम किसी के घर या किसी को बुलाने के लिए नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी बात हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली क्या है हम लोग को इससे बचना चाहिए, 9 बजने के बाद रात में हम न किसी के घर जाना चाहिए हमको और न किसी को बुलाने के लिए जाना चाहिए, एक्सेप्शन केस जरूरी बात छोड़कर। 27वां पॉइंट है, यदि तुम्हें किसी को नकारात्मक उत्तर देना हो तो तुम्हें क्षमा कीजिए इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और तब बातचीत आरंभ करनी चाहिए। मान लिया डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है, तो अगर बातचीत के दरमियान में और किसी बात से हम सहमत नहीं है कि नहीं और नकारात्मक उत्तर देना है तो हम क्या करेंगे, क्षमा कीजिए है कि नहीं, क्षमा कीजिए कहकर और तब जाकर अपने बातों को हम रखेंगे, पॉइंट वाइज रखेंगे, तरीका से रखेंगे। ऐसा भी सामान्य केस में कहता है किसी बात से सहमत नहीं है तो यह नहीं कहता यू आर रॉन्ग आप गलत है, यू मे बी राइट आप सही हो सकते हैं, अर्थात अपने बातों को रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जब किसी बातचीत के दरमियान किसी बात को हम नकारात्मक उत्तर हम देना चाहते हैं तो हम क्या करें, क्षमा कीजिए वर्ड बोलकर
और तब जाकर अपने नकारात्मक बातों को हम पॉइंटली रखेंगे, तो क्या अगला पार्टी भी समझेगा, सुनेंगे और सहमत होंगे कि ये बात सही है तो ठीक है स्वीकार करेंगे, नहीं तो फिर नकारात्मक बात उनके समझ में आ रहा है कि नहीं बात सही नहीं, तो फिर अपना फिर वो क्षमा कीजिए कहकर अर्थात फिर अपने बातों को फिर रखेंगे, तो इससे क्या स्वस्थ वातावरण बनेगा। 28वां पॉइंट है, भोजन करने के पहले हाथ और पैर धो लेना चाहिए। जैसा कि बताए हैं बाबा बताए हैं कि हमको साधना के पहले, भोजन के पहले, शयन के पहले, तो उसी प्रकार से इसमें है जो सामाजिक शिष्टाचार है उसमें भोजन करने के पहले हाथ और पैर, हाथ पैर धो लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, मन कूल हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। अस्थिर मन से जब हम खाएंगे तो क्या अस्थिर मन, मन का चंचलता समाप्त हो गया है, अस्थिर हो गया है मन, तो जो हम खाएंगे तो उसका सही ढंग से हमको स्वाद भी बुझाएगा, पता चलेगा है कि नहीं, और उसका सही ढंग से मेरा उस भोजन का रस भी बनेगा, रस से फिर आगे का चीज सब बनेगा, पूरे शरीर में, मेरे शरीर में लगेगा, और मन चंचल रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा तो खाना का ठीक से स्वाद नहीं रहेगा, मन और शरीर में पूरा अन्न का एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं हो पाएगा जिस उद्देश्य से हम खा रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे कि खाने से पहले हम हाथ पर धो लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, या मन की चंचलता कम जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार से हाथ पांव धो लेना चाहिए खाना खाने से पहले। 29वां पॉइंट है, मधु खाना चाहो तो उसे पानी के साथ लो। मधु कभी भी अकेला, केवल सिंगल मधु नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होता है कब्ज होने का संभावना रहता है, तो इसीलिए हमको क्या करने से बचने के लिए बोलते हैं कि यह मधु जब भी खाएंगे तो पानी में मिला, और कई जगह तो और ढंग से बताते हैं वैद्य लोग, लेकिन हमको यहाँ पर चर्चा है कि मधु जब भी खाएंगे तो अकेला नहीं, उसमें पानी में घोलकर ही मधु का इस्तेमाल करेंगे। 30वां पॉइंट है, भोजन करने वाले के सामने खड़े होकर बातचीत मत करो। हमारे किन्हीं को खाना हम दे दिए हैं, कोई गेस्ट है या कोई घर का ही आदमी है, खाना दे दिए और उनके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं या खड़े हम हैं, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब खाना के नहीं को दे दिए हैं, अब भोजन कर रहे हैं कोई, तो हम क्या करेंगे उनके सामने बैठ जाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे, तो भोजन करने वाले के सामने खड़े होकर बातचीत नहीं करना, बैठ कर बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा बात ही नहीं करें खाने वक्त में, है कि नहीं, तो इस ढंग से हमको ये खड़े होकर बातचीत नहीं करें। 31वां पॉइंट है, खाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाने पर खांसो अछूको मत। जब हम खाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाने पर खांसो अछूको मत, कोशिश करना है कि खांसना छींकना नहीं है जब खाने के लिए बैठ गया, ऐसे आ गया खांसी छींक है तो बात अलग है, लेकिन क्या करना है, कोशिश करना है कि खाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाने पर खांसेंगे छींकेंगे नहीं, ये कोशिश रहना चाहिए। आ गया तो कोई बात नहीं है, उसके तरीका है कि अपना हाथ मुंह अपना जो है बैठेगा, क्योंकि खांसेंगे छींकेंगे तो क्या होगा, ये खाना सामने है उसमें वायरस चले जाएगा तो प्रभावित हो जाएगा, तो इसलिए हमको क्या करना है, बैठ जाना, या अगल बगल में खाना परोसा हुआ है अब बगल में कोई खांस छींक रहे हैं तो इसका ख्याल रखेंगे खांसे छींके नहीं है, ताकि दूसरे का खाना भी प्रभावित नहीं हो। 32वां पॉइंट है, बाएं हाथ से किसी को खाद अर्पित मत करो। जैसा कि बताया गया है पहले ही, किसी को हम लेते या देते हैं तो क्या करते हैं, दाहिने हाथ से देते हैं और बाएं हाथ से हम क्या करते हैं कि दाएं हाथ के उंगली कोहनी को हम पकड़ते हैं, छूते हैं, और तब दाएं, इसलिए तो दाएं हाथ से देना है बताया गया शुरू में ही, तो फिर बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को बाएं हाथ से हम खाना हम परोसेंगे नहीं, बाएं से किसी को खाद अर्पित नहीं करें। 33वां पॉइंट है, खड़े होकर स्नान मत करो या जल मत पियो। खड़े होकर क्या है कि हमको स्नान नहीं करना है या जल नहीं पीना है, बहुत प्रकार के हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, चाहे ज्वाइंट पेन हो, चाहे हर्निया हो, बहुत सारे चीजें से प्रभावित होते हैं, तो ये सब से क्या कि हमको बच के रहना है, खड़े होकर स्नान नहीं करना है और न जल पीना है।
चौतीसवां पॉइंट है, खड़े होकर पेशाब या शौच मत करो। तो हम खड़े होकर ये सब चीज नहीं करेंगे, इससे क्या होता है, बैठ कर करते हैं तो क्या होता है, मेरा जो ब्लैडर यूरिनरी ग्लैंड वगैरह, ब्लैडर वगैरह है, वो ठीक से दबता है, ठीक से दबता है तो पूरा पूरी उससे पास आउट होता है मेरा यूरिन वगैरह। तो खड़े होकर करने से क्या होगा, वो पूरा ब्लैडर जो है वो साफ नहीं हो पाता है, इसलिए बैठ कर करना चाहिए। तो खड़े होकर पेशाब करना नहीं करना है, तो इससे बचना है, इससे बहुत सारे लाभ है। बाबा बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ बताए हुए हैं, इसलिए जो इसमें इंस्ट्रक्शन है सीधे करना है। 35वां पॉइंट है, जब बाई नाक जिसको हम ईरा नाड़ी बोलते हैं क्रियाशील हो, चलता हो, तब तरल पदार्थ, तरल खाद्य ग्रहण करो, और जब ठोस खाद्य कब ग्रहण करो, जब दाहिने नाक यानी पिंगला नाड़ी प्रवाहमान। तो जब बाएं से चले नाक का श्वास चले, श्वास प्रश्वास बाएं नाक से चले, जब बायां नाक आपका तेज चले, तो उस वक्त में क्या करना है, लिक्विड डाइट लेना है, तरल पदार्थ लेना है। और जब दाहिना नाक का श्वास प्रश्वास चले, दाहिना नाक तेज मेरा चलता रहे, तो हम जिसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं उस वक्त में ठोस भोजन करेंगे हम, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। और जब 36वां पॉइंट है, जब ईरा नाड़ी चल रही हो, जब बायां नाक चलता हो, तो उस समय को साधना में लगाना चाहिए। तो बायां नाक देखिए कि अगर चल रहा है तो क्या करना है कि उस वक्त में साधना में उस समय में कोशिश करना है, साधना में लगाना, और भी कोई सूक्ष्म क्रियाकलाप को पढ़ने लिखने बहुत सारा बात है, तो जो भी सूक्ष्म काम करते हैं उस वक्त में बायां नाक चले उसमें वह काम करना है, और बायां नाक कोई चीज खाना हो तो लिक्विड चीज लेना है, और दायना नाक चले तो ठोस चीज लेना है। और बहुत सारे जगह बताया जाते हैं, बाबा किताब में दिए भी हुआ है कि अगर बायां चल रहा है और हमको दायां चलाना है, पूजा पर बैठने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, और उस वक्त में दायां नाक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बायां नाक चला देंगे, उसको कोशिश करेंगे, बायां नाक चला देंगे हम, तो क्या होगा कि मेरा जो उद्देश्य है साधना का वह मेरा क्या होगा, अच्छा साधना होगा। अब बायां नाक चलाना है तो बहुत सारे चीज बताते हैं, हमारा इंद्र दादा बराबर बताते होंगे कि भाई बाएं चलाना दाएं करवट ले लीजिए, दाएं चलाना तो बाएं करवट ले लीजिए, या दाएं तरफ अगर बाएं चलाना तो दाएं तरफ झुक जाइए, या कुछ देर क्या करना है कि रोक देंगे हम सांस को, दाया को अगर रोक भी देते हैं तो भी चलना शुरू होता है बाया, बाएं होता तो दाएं शुरू होता है, या इससे भी नहीं हो तो अभ्यास से क्या होता है, केवल मन में सोचे ही मेरा बाया चले चलना शुरू हो जाता है, ऐसा चीज सब। और सिंपल है, स्थूल ढंग से अगर चलाना है बाएं दाएं को तो सीधे क्या करना है, बाएं चलाना तो दाएं करवट सो जाइए, अगर दाएं चलाना तो बाएं करवट सो जाइए, स्थूल ढंग। और सूक्ष्म ढंग से धीरे धीरे अभ्यास से क्या होगा कि आप सोचेंगे भी तो उससे भी कन्वर्शन हो जाता है, इसका ख्याल रखेंगे। 37वां पॉइंट है, पेय वस्तु अर्पित करते समय गिलास को उसके निचले हिस्से में पकड़ना चाहिए, कोई चीज गिलास में किसी को पीने दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर में पकड़ के दे दिए। अब क्या है कि हाथ भी गंदा है, और किस प्रकार का हाथ गंदा, हालांकि धोए हैं, और किस प्रकार हाथ गंदा वगैरह है, धो भी लिया तो भी क्या है, जीवाणु मेरे हाथ में है, ऊपर दे देंगे पकड़ के गिलास का, तो ऊपर वाला पोर्शन ही होठ से सटाएंगे लोग, अगला पार्टी पीने वाले, तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कि निचला पोर्शन पकड़ेंगे, उसके निचले हिस्से को पकड़ेंगे हम, और तब जाकर हम संप्रदान मुद्रा में दाहिने हाथ से बढ़ाकर बाएं हाथ से हम दोहनी दाहिने पैर के हाथ, दाहिने हाथ के कोहनी को पकड़ कर हम देंगे पीने के लिए, नीचे से पकड़ गिलास को। 38वां पॉइंट है, किसी को जल पिलाते समय पहले अंगुलियों से गिलास साफ करेंगे। अब किसी को हम जल पिलाने जाएंगे तो पहले गिलास को क्या करें, अंगुलियों से साफ करेंगे अंदर में बाहर, और तब अंगुलियों के सहायता के बिना धोएंगे, पहले उंगली से साफ कर दिए और तब जाके हम धोए उसको, और फिर क्या करेंगे, उंगली हटा के फिर धोएंगे, और तब उसमें पानी भरकर तब दूसरों को देंगे, यानी पूरा शौच उसके सफाई का ख्याल रख के दूसरों को देंगे, क्योंकि किसी को हम सेवा प्रदान करने जा रहे हैं, तो सेवा जिनको दे रहा हूं तो परमात्मा का ही रूप है, तो परमात्मा वो कष्ट ऐसा भाव रख के हम सेवा देंगे। हम
39.39वां पॉइंट है, जो कि यह जो सामाजिक आचार का जो लास्ट पॉइंट है, 39th पॉइंट है, उसमें है भोजन करते समय अगर बहुत पसीना आता हो तो पसीने को रुमाल से पोंछना चाहिए। मान लिया कि हम भोजन परोस रहे हैं और उस वक्त में पसीना टप टप गिर रहा है, हो सकता है दूसरे के थाली में दूसरे के पत्ते में गिर जाए खिलाने वक्त में, तो वो क्या उसको हानि करेगा, बैक्टीरिया उसमें चल जाएगा, वो दूसरे शरीर में चल जाएगा भोजन के माध्यम से। तो दूसरे को सुरक्षित रखने के ख्याल से जब भोजन करते समय या दूसरा भोजन परोसने के समय में क्या करेंगे कि पसीना रहता है तो हम पोंछ लेंगे। तो इस प्रकार से यह सामाजिक आचरण था और पंचदशील दो पॉइंट का क्लियर हो गया है, इसलिए विस्तार है। ऐसे तो हम बोल देंगे सिंपल कि आचार संहिता फलाना फलाना या आचार संहिता पालन करना है, और यह जो है जम नियम है, पंचदशील है, त्रयचर का है, सब है, तो बोल देंगे तो बात तो हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इस प्रकार से जानते हैं लेकिन क्लास के माध्यम से एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं प्रकाश डालते हुए, तो क्या होता है ज्यादा उस प्रभावित होगा जीवन हम लोग का, हम लोग का जीवन सुलभ होगा आगे बढ़ने में। तो यह हम लोग का हुआ, यह आज दो चीज हुआ। तो दादाजी टाइम लगता है कि हो गया है, तो यह एक क्लास और इस पर चलेगा। जम नियम तो मेरा हो चुका है, हम लोग का जम नियम हो चुका है, अब इसमें है कि सेमिनार है, ड्यूटी है, कीर्तन है। तो इस प्रकार से यह जो है सेमिनार या आचार संहिता जो है कंडक्ट रूल है, या इसमें तो और भी है लेकिन मुख्य रूप से यह जो है पंचदशी और यह आज सामाजिक आचार जो है शो हुआ है समाप्त इसका, और जम नियम हो चुका है हम लोग का, इसलिए यह जरूरत नहीं है, विस्तार से क्लास हो चुका है जम नियम का। अब इसके बाद जो हम लोग का होगा सेमिनार होगा, और CSD के सेमिनार हो गया, ड्यूटी हुआ, कीर्तन हो गया, अगले क्लास में इसको हम लोग समाप्त करेंगे। क्योंकि था पॉइंट, इसको क्लियर करना उचित जान पड़ता था, इसीलिए हम लोग को किया इस पर आज क्लास। तो यही रहा दादा आज का, धन्यवाद टाइम हो दादा। गया।